दोस्तों आज हम कॉची इनइक्वालिटी का फार्मूला जो है ड्राइव करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इससे भी एक दो थ्योरम्स जो है प्रूफ होती है, जैसे लिवोल्यू थ्योरम इससे प्रूफ हो जाती है बहुत ही इजीली तरीके से। तो इसका स्टेटमेंट इस तरीके से, इफ़ एफजेड वी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सर्किल सी ऑफ रेडियस आर एंड द सेंटर एट जेड बराबर है, प्रूफ दैट द कॉची इनइक्वालिटी मॉड एफ एन ए लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन, एन बराबर जीरो वन कोमा टू कोमा थ्री डॉट डॉट डॉट, वेयर एम इज ए कॉन्स्टेंट सच दैट मॉड एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम। तो हमें ये इनइक्वालिटी जो है प्रूफ करनी है। तो प्रूफ, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम nth ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का फार्मूला तो हम जानते हैं, वी नो दैट एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई क्लोज का इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड। तो हम इसका मॉड लेंगे, तो मॉड एफ ए बराबर मॉड फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड मॉड लेस देन और इक्वल टू, तो फैक्टोरियल एन अपॉन मॉड टू पाई आई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये मॉड जो है पूरे का मॉड था तो अंदर हो जाएगा मॉड एफ जेड इंटू मॉड डी जेड अपॉन मॉड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन, ये डी जेड यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो मॉड एफ की पावर एफ एन ए बराबर लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन ये क्या हो जाएगा टू पाई। तो देखिए मॉड जेड की वैल्यू दे रखी कितनी एम, ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी ये एम, ये मॉड डी जेड अपॉन, देखिए मॉड जेड माइनस ए बराबर क्या है आर, तो ये हो जाएगा आर की पावर एन प्लस वन। तो एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी मॉड डी जेड अपॉन आर की पावर एन प्लस वन। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई और आर की पावर एन क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी और ये मॉड डी जेड, तो दिया है मॉड जेड माइनस ए बराबर आर, तो यहाँ पर जेड बराबर हो जाएगा ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, जहाँ थीटा जो हमारा जीरो और टू पाई के बीच में होगा। तो इसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी जेड बराबर हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि हमें मॉड की वैल्यू चाहिए, तो मॉड डी जेड बराबर मॉड आर ए की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, तो ये मॉड डी जेड बराबर आ जाएगा आर डी थीटा, और जो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन है वो किसमें जीरो से टू पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई आर की पावर एन प्लस वन, और ये जीरो से टू पाई ये आर और ये थीटा। तो एफ एन ए लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई आर की पावर एन प्लस वन, तो ये आर ये थीटा लिमिट जीरो से टू पाई। तो एफ एन ए लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई आर की पावर एन प्लस वन इंटू आर, और ये टू पाई माइनस जीरो। तो एफ एन ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन टू पाई आर की पावर एन प्लस वन इंटू आर इंटू टू पाई, टू पाई से टू पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से इसमें घट जाएगा। तो देखिए क्या जाएगा, एफ की पावर एन लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन एम अपॉन आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो ये जो है एफ एन ए लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एम अपॉन आर की पावर एन, तो ये हमारा
रूप्ड हो गया। सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, क्या रहेगा सभी मोड में रहेगा, मैं भूल गया था उसके लिए सॉरी। ये कैसे भी मोड में रहेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।